बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथियों, आज 18 जून 2024 का दिन है और शाम के 8 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूं। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त शबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका शुक्रिया और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम कहता हूँ। तो नाजरीन, मौसम के हवाले से यही खबर के बारिश का एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिस तरह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट NDMA ने बताया, और यह सिलसिला जो है 22 जून तक रहेगा और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बनेगा। जनूबी पंजाब या दीगर इलाकों में 20, 21, 22 को बारिश बरसाने का सबब बनेगा और बाकी जो इलाके हैं बहुत सारे जिसके हवाले से पहले भी मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ, वो अपर KP के है, अपर पंजाब है, पोठवार के इलाके हैं, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, बलाई सिंध, तो इन तमाम जुमला इलाका जात में बारिश का इम्कान रहेगा अगले 4 दिन में। उसके बाद भी बारिशों के सिलसिले हैं जुलाई में खासे, तो इस हवाले से अपडेट आपको करते रहेंगे। अब दरियाओं का डाटा जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम त्रिबेला डैम का लेवल की बात करते हैं, 1446 फीट है। मंगला डैम का 1181 फीट। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाल पर 360 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 3309 क्यूसेक और इस्लाम पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया रावी में जस्सर पर 1378, शाहदरा पर 1263, बल्लोकी पर 3715 और सिदनई ब्राज पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया चनाब में मराला पर 27571 क्यूसेक, खानकी पर 26100 क्यूसेक, कादराबाद पर 10111 क्यूसेक, त्रिमो ब्राज पर 22642 क्यूसेक अखराज हो रहा है, पंजनत पर 1038 क्यूसेक। दरिया जेलम में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 56150 क्यूसेक है और रसूलपुर से अखराज 31142 क्यूसेक हो रहा है। दरिया सिंध में स्कदू पर 75300 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,09,000, बिशाम पर 2,11,800 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 1,31,000, काबुल दरिया में 88,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,77,052 क्यूसेक, चश्मा पर 1,98,163 क्यूसेक, तौसा पर 1,59,154 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,11,580 क्यूसेक, सक्कर पर 55,380 क्यूसेक, कोठरी पर 5,470 क्यूसेक। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन डाटा था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।